नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कामत है और आज आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है गेट योर रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपका खुद का सक्सेसफुल रेस्टोरेंट कैसे चालू कर सके। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जो जिस टॉपिक के वजह से आपका रेस्टोरेंट आज चालू होगा या कभी भी आपको आगे ज़रूरत है तभी आपका चालू होगा, और वो है आपका फाइनेंस कैसा रेस करे, कैसे आपका कैपिटल रेस करे, कौन से जगह से आप पैसा जमा कर सकते हैं जो आप आपके नए रेस्टोरेंट में इन्फ्यूज़ करें, ताकि आपका रेस्टोरेंट अच्छी तरह से बने, अच्छी तरह से चले और आपको उस चलाने में कोई दिक्कत ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कैपिटल रेजिंग का टॉपिक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्लीज़ इसे कोई टाइप का फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे। आप आपके करतूतों के जिम्मेदार खुद है, मैं आपके करतूतों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ। सो ये डिस्क्लेमर पार्ट हो गया। आपका फाइनेंस अगर सही हो तो आपका रेस्टोरेंट चलना बहुत ही सहज हो जाता है, बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है और आपको सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये करने के, ये फाइनेंस का आपका जो प्रोसेस है, ये करने के लिए कई जगह से आप आपका कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। अगर आपका खुद का पैसा हो तो इट इज़ ऑलवेज वेल एंड गुड, ये सबसे बड़ी बात है अगर आपका खुद का पैसा हो। और बट अगर आपका खुद का पैसा नहीं हो तो आप काफ़ी जगहों से पैसा ले सकते हैं, जो मैंने मेरे बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सिक्योर्ड लोन से। सो सिक्योर्ड मतलब लोन्स जो आप कोई गारंटी लेके देते हैं, या फिर लोन्स जो आपको कोई बैंक्स या इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं, ये इसको सिक्योर्ड लोन्स कहा जाता है। तो उसमें पहला वाला है ये बैंक लोन। तो कोई भी बैंक में आप अगर आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज करे या फिर आपका कोई चीज़ें मॉर्गेज करे, तो उसके अगेंस्ट वो आपको लोन देते हैं और लोन्स फिर ईएमआई में कट होता है और आपको आपका ईएमआई देना पड़ता है, तो वो बैंक लोन होता है। प्रॉपर्टी लोन ऐसा होता है जिसमें आप आपकी खुद की प्रॉपर्टी है उसको बैंक्स बैंक्स को एज अ मॉर्गेज देते हैं और उसके अगेंस्ट वो आपको लैप देते हैं। लैप का मतलब है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो ये आप वो पैसा लेके फिर आपके रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तीसरा है कोलेटरल फ्री लोन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चालू की है जिसमें आपको कोई कोलेटरल देना नहीं पड़ता है। आप बैंक में जाके आई थिंक समवेयर अराउंड 50 लाख और 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। आप आपके नज़दीकी नेशनलाइज बैंक्स में जाके इस स्कीम के बारे में और मैनेजर से पूछताछ कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोजेक्ट उनको देना होता है और प्रोजेक्ट के हिसाब से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लोन देती है। चौथा है पर्सनल लोन। तो पर्सनल फाइनेंस में भी बहुत लोग पैसा उठाते हैं। मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो वो आपको इमीडिएट पैसे का इन्फ्यूजन करने के लिए पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। और पांचवा है आपका खुद का फंड्स, ये ओन फंड्स। अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा था, आपका ओन फंड्स अगर होगा तो वो वेल एंड गुड है। तो उसकी तरफ, उसके बाद सेकंड हम लोग जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन की तरफ। अनसिक्योर्ड लोन मतलब जो बैंक्स बैकिंग नहीं देती, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, और जैसे जनरली मार्केट से उठाना, कोई मनी लेंडर से उठाना, उसे अनसिक्योर्ड लोन कहा जा सकता है। मोस्टली मैं अनसिक्योर्ड लोन्स लेने के लिए सजेस्ट नहीं करता। उसका एक ही कारण है क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स का बहुत ही रिस्की होते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होता है उतना आपको आपका प्रॉफिट्स में से वो ईट होता है। तो आप हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा लो हो। सो अनसिक्योर्ड लोन्स में पहले हैं आप आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली से लेना। सो फ्रेंड्स या फैमिली कभी कभी आपको बैक कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी डैडी या आपका भाई कहाँ से, तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स में आता है। सेकेंड इज कोई इन्वेस्टर है जो आपको पैसे इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस में, आप वो रन करे, उसको इंटरेस्ट दे या फिर उसको आपको प्रॉफिट्स दे दे, सर्टन सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स आप उसे दे, वो आपको इन्वेस्टर्स के बैकिंग से मिलेगा। थर्ड इज पार्टनर्स। आप कोई पार्टनर ले ले तो आपका जो कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है आपके रेस्टोरेंट में वो आधा हो सकता है, या फिर आपका पार्टनरशिप का परसेंटेज के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये है चंद पॉइंट्स जो आपने ध्यान में रखने हैं आपका कैपिटल रेस करने के एंगल से। और नया बिजनेस जब भी आप चालू करें तभी मेक श्योर कि आप वो कैपिटल रेस कर सके।
अगर आप कैपिटल रेज करना बैंक से बोलिए खुद का बोलिए, अगर आप वो पोजीशन में नहीं है, अगर आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम है पैसे का, तो मेरा क्लियर कट सजेशन है कि फिलहाल आप रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में नहीं सोचें। फिलहाल आप आपके फाइनेंसेस सॉर्ट आउट कर लें, और जब भी आपका पोजीशन आए जिसमें आपका थोड़ा बहुत सेविंग्स हो और थोड़ा बहुत लोन लेके आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, तभी आप इस बिजनेस में एंटर होइए। तो फिर आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा और आप धंधा करने के लिए एकदम फ्री रहेंगे। सो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप नए हो तो, या फिर शेयर कीजिए ये चैनल भी सबके साथ में, और मुझे सवाल पूछिए, मुझे अच्छा लगता है जब भी आप सवाल पूछते हैं। और मुझे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।